हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुजम्मिल और आप देख रहे हैं युवा टेक टीवी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हमारे फोन में कोई ऐप लॉक है, अगर कोई ऐप लॉक यूज कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि अगर आपका फ्रेंड है कोई भी है तो उसने अपने फोन में ऐप लॉक यूज किया हुआ है और आप चाहते हैं कि आप उसका कुछ डेटा देखें, आप उसका फाइल मैनेजर देखें या कोई भी चीज हो उसके फोन में, आप चाहते हैं कि हम वो देखें, तो सिंपली मैं आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको अपने फोन में जाना होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि ये फोन में अभी ऐप लॉक है और इसका जो पासवर्ड है वो ऐसा है, तो मैंने इसको आराम से यहाँ पे ऐप लॉक के जरिए ओपन किया। तो अगर आप क्या करते हैं, आपके फोन में आप चाहते हैं कि उसके फोन देखें और आपको पासवर्ड पता नहीं है, आप क्या करें हम, तो आपको सिंपली क्या करना होगा, आप अभी आप देख सकते हैं कि मेरी गैलरी यहाँ पे अगर मैं ओपन करता हूँ तो इसका पासवर्ड मांग रहा है, ये इसका पासवर्ड पता नहीं है तो मैं क्या करूँ, और फाइल यहाँ पे मैनेजर में जाऊं तो यहाँ पे इसका भी पासवर्ड है और मुझे इसका भी पासवर्ड पता नहीं है। तो काफी ऐसी चीजें हैं कि जिसका पासवर्ड मुझे नहीं पता और मैं चाहता हूँ कि मैं वो देखूं, तो सबसे पहले मैं आप क्या करूंगा, मैं क्रोम ब्राउजर में जाऊंगा। क्रोम ब्राउजर में सिंपली मुझे टाइप करना होगा, मुझे यहाँ टाइप करना है फाइल file, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने फाइल कॉलन स्लैश तीन बार करना है // SD कार्ड, और आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये कोड आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा और आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने एक कोड दे दिया आप लोगों को, आप ये ट्राई कर सकते हैं। तो ये मैंने टाइप किया यहाँ पे फाइल कॉलन // SD कार्ड, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्रोम में सारा जो डाटा है हमारा फोन का वो यहाँ पे ओपन हो गया। और जैसे कि आप फाइल मैनेजर में जाते हैं और वहाँ पे आपको SD कार्ड या फोन मेमोरी देखनी होती है, तो ऐसा एक लेआउट, ऐसा एक इंटरफेस आपको दिखता है वहाँ पे। तो आपको सिंपली क्या करना होगा, ये जो इंडेक्स, ये जो फाइल डॉट SD कार्ड है, इसका मतलब ये नहीं है कि SD कार्ड पे ही काम करेगा, ये बस एक कोड है, आपको ये कोड एंटर करना होगा और फोन में जो भी आपकी गैलरी, आपके फाइल मैनेजर में जो चीजें भी होगी वो सब ओपन हो जाएगा, वो भी क्रोम में। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने अभी, जैसे कि अभी मैंने डॉक्यूमेंट्स पे जाना है या RTCM कैमरा में मुझे जाना है, तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पे मैं कैमरा में गया और कैमरा में जो भी इमेज है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारी इमेज मैंने यहाँ पे देख ली, यहाँ पे मैं आराम से देख सकता हूँ। और यहाँ पे मैंने एक एप्लीकेशन भी डाउनलोड किया रेट्रिक का, जिसका नाम आप लोग जानते होंगे, या यूकैम, उससे जो पिक्चर्स मैंने क्लिक किए होंगे वो सब यहाँ पे दिखेंगे। तो सिंपली आप ये सब आराम से देख सकते हैं, और भी काफी सारी चीजें जैसे व्हाट्सएप, आप देख सकते हैं व्हाट्सएप पे क्या चीजें हमने शेयर की हैं, क्या उसका मीडिया में अगर हम जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉलपेपर, डॉक्यूमेंट, इमेज, वीडियो, वॉइस नोट्स, आप वॉइस नोट्स पे जाके आराम से यहाँ पे देख सकते हैं कि वॉइस नोट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वॉइस नोट्स कौन कौन से मैंने सेंड किए हैं या रिसीव किए हैं, वो सब आप सुन सकते हैं, चाहे आप कोई भी ऑडियो हो, वीडियो हो, कोई भी चीज हो, वो आप सब आराम से इसे देख सकते हैं। तो फाइनली मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप अब सिक्योर रहना चाहते हैं ऐसी ट्रिक से, तो आप क्या करें, आप सिंपली अपनी क्रोम ब्राउजर को लॉक करके रखें, ताकि कोई और क्रोम, जब वो सामने वाला बंदा क्रोम ब्राउजर यूज ना कर पाए तो आपका डाटा सेफ रहेगा, वो देख नहीं पाएगा। वैसे भी और काफी तरीके हैं इसको हैक करने के या बाईपास करने के ऐप लॉक्स, फिलहाल ये एक तरीका जो सबसे इजी और मुझे काफी अच्छा लगा तो मैंने आपसे शेयर किया। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको जरूर से लाइक कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए।